छतरी और जुगाड़ देता हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोग पिछले कई वीडियो से लगातार हमारी यात्रा देख रहे हैं, धर्मशाला के नज़दीक हम लोग हैं। ये है करेरी लेक, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला से करीब 35 किलोमीटर दूर करेरी गांव है। वहाँ से हम लोग पैदल आए थे, टोटल 13 किलोमीटर का ट्रैक है, उसमें से 10 किलोमीटर पैदल आए थे। और यहाँ आने के बाद में बारिश शुरू हो गई है, दूसरी रात हमने यहीं पर बिताई, पिछले वीडियो में आपने देखा। और अब जो है वापस जाएंगे, लेकिन वापस जाएंगे कैसे ये हमें भी नहीं पता। देखिए अब बारिश में क्या हालत होगी, एक तो ये भाई साहब का टेंट है, पानी चला गया नीचे तक, तो देखिए मैं लोअर अंदर ही खोल के आ गया हूँ क्योंकि रेनकोट यहीं तक आ रहा है। आगे चलते हैं, एक और यहाँ पर टेंट है, पानी ज़बरदस्त ठंडा है। पिछले वीडियो में आपने ग्लेशियर देखा था। हेलो भाई साहब, राम राम। अंदर है कोई? अरे कुछ नहीं, ऐसे कह रहा हूँ, राम राम। पानी तो नहीं आ गया अंदर? नहीं आएगा, फिर ठीक है। ये लो, रात को खूब सारे लोग आए थे, एक साइड में टेंट है, ये टेंट है। वो देखो उधर से जबरदस्त, जहाँ से हम लोग गए थे उस जगह से भी वहाँ पर पानी गिर रहा है पूरा, वहाँ गए थे हम लोग। यहाँ रात को कुछ टेंट लगे हुए थे, अभी भी लगे हुए हैं। मौसम बहुत ही खूबसूरत है, बस इस मौसम के अंदर क्या है कि खाने पीने की, चाय पानी की, इन सारी चीज़ों की जो है थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि लकड़ियाँ नहीं जल रही है। ये वही वाटरफॉल है दोस्तों, जो जिस रास्ते से हम लोग आए थे, और रास्ता ऐसे समझ ले तो बंद ही हो गया थे, जाएंगे कि कैसे जाएंगे। ये लो, यहाँ तो आ गया सैलाब। इसी रास्ते से हम लोग आए थे कल तक, तो हम लोग यहाँ से भी है ना क्रॉस करके उस मंदिर की साइड से, वहाँ से ही यहाँ से आए थे, अब तो वो भी नहीं हो पाएगा। टॉयलेट वगैरह की मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, मिड पॉइंट पर जैसे थी वैसी कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। सीधे ऊंचे पहाड़ों में कहीं पर भी दरख्तों के पीछे कहीं जा सकते हैं तो जाओ। अच्छा, उनका रेस्क्यू करना है, वो बस निकाल रहे हैं अभी हम इनको ना, रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हो? वो आ रहे हैं बंदे ना। मैंने उनको कल भी बोला था कि इधर मत लगाओ, वो अपने साथ वाले ही है क्या वहाँ पर कल जो रुके थे वो? अभी कुछ जो बंदे फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए जा रहे हैं। चलो भाई जी, चलो चलो भाई चलो। कुछ लोग सैलाब के अंदर फंस चुके हैं बीच में। रस्सी पूरी जाएगी वहाँ तक? इतना तेज पानी आ रहा है, आदमी वैसे डूबे तो नहीं लेकिन गिर जाएगा, तब बह जाएगा। तो सेफ्टी करनी है बांध के। हाँ सही है। हाँ मतलब आपके सामने था तो। अच्छा आपने बोला था, अभी तो आपका सेफ जगह लगा हुआ है, पानी भी नहीं आता। पानी नहीं आता वहाँ पर है ना, हमने फील किया था कि अगर बारिश आ गई तो दोनों साइड से सैलाब आएगा मिड पॉइंट पे, तो हमने सोचा नहीं इधर नहीं लगाई। अभी तो आपको तो एहसास हो गया, इसलिए शाम को आपने बोला कि ऊपर ही ठीक है। हाँ ऊपर ही सही है। पानी देखो किस स्पीड से आ रहा है यहाँ पर, ये लड़का रिस्क लेके गया तो है वहाँ पे। नींद आई अच्छी तरीके से रात को? नींद आई थी अच्छी तरीके से? नींद तो कहाँ है, पूरी रात तो बारिश भी हुई है। हाथ पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं, बहुत ही खतरनाक जगह, फिसलने के बाद में आदमी रुकेगा नहीं, ऐसी जगह है। यहाँ इतनी ऊंचाई के ऊपर करेरी लेक पर हम हैं, यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं है, किसी से कांटेक्ट नहीं हो सकता जब तक नीचे जाके नहीं बता दें, ऐसी जगह पर है। यहाँ पर जो दुकान वाले कुछ लोग हैं टेंट देते हैं, वही लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, वही इनको इस साइड। अभी आप बताओ कि रात को वहाँ पर ठहरे थे तो टेंट में पानी घुसा था?
टेंट में तो पानी नहीं घुसा, नहीं घुसा, नींद अच्छे से आ गई थी, नींद अच्छे से आई थी, 6 बज गए थे, अपना मस्त करके था, हमें लगा बस खाली बारिश हो रही है, हम वॉशरूम होने के लिए आए थे, बट हमने ध्यान नहीं दिया था इतना तेज बहाव आ रहा है। अच्छा, इस बहाव का पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। अच्छा, जब सुबह हमने ट्राई किया ऐसे पार करने के लिए, चलो चलते हैं, आज तक हमने ट्राई नहीं किया, हम सोच रहे थे पहले इधर से आए, बट वही उन्होंने मना कर दिया था कि वहीं रुको। अच्छा अच्छा, वैसे आए कहाँ से आप लोग? हम आए दिल्ली से, वैसे हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से हो, और अब हम वापस जा रहे हैं कैंप की तरफ। हालांकि हम लोग जब अब नीचे जाएंगे पता नहीं कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे मौसम में नीचे तक जा सकते हैं अपन? अभी ऐसे में नहीं जा सकते हैं, बीच में छोटे छोटे नाले होंगे काफी, वो हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्रॉस नहीं कर पाएंगे, जो बीच इस साइड से आते हैं ना, रुकने पर ही जा सकते हैं ना। हाँ, जब रुकेगी तब थोड़ा कम होगा, तब जा सकते हैं। आप लोग जाना चाह रहे हो? कितने लोग हो? दो ही लोग? अकेले जाना चाह रहे हो? क्या हो गया? पर इतनी जल्दी क्या है आप? बारिश रुके तब तो वेट कर लो, वही वेट ही कर रहे हैं भाई, वेट कर लो ना बारिश की, थोड़ी और वेट कर लो, ट्रेन में चले जाओ, कोई चक्कर नहीं है। अरे बैग वगैरह भीग जाएगा आपका, रस्ते में नाले आने तो निश्चित है, नाले तो आएंगे, वो क्रॉस कैसे होंगे फिर? अभी दोस्तों हम लोग भी निकल रहे हैं, कई सारे लोग चले गए हैं। निकलने का कारण क्या है कि बारिश ज्यादा भी आ सकती है, रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर बारिश रुकेगी तो अच्छा है, नहीं रुकेगी तो ऐसी में निकलने में ईजी है क्या? बहुत ज्यादा आने से तो अच्छा ही है, सब लोग निकल रहे हैं तो हमें भी निकलना तो पड़ेगा, ग्रुप में जाएंगे तो फायदा होगा। 12 जुलाई 2021 का दिन था, सुबह लगभग 8 से 9 बजे के बीच का समय है, और हमारे पर्सनली खुद के मन में ऐसा कुछ नहीं था कि हम नीचे जाएं या नहीं जाएं। जैसा हम लोगों को जो हमारे साथ में गाइड थे कई सारे, उन्होंने कहा ठीक वैसे ही हम करते जा रहे थे। एक्चुअली जो ग्रुप था करीब 20 से 25 लोगों का, उनमें कुछ जाने वाले कुछ रुकने वाले अलग अलग विचारों के थे, साथ ही फिर सब लोग जा रहे थे तो सिर्फ हम अपने गाइड के साथ में रुक भी नहीं सकते थे, तो इस तरह का माहौल बना और फिर सभी गाइड जो थे उनके साथ में ग्रुप में हम सब ने जाने का निश्चय किया, और सबसे पीछे हम लोग ही रह गए। लगभग 5 से 7 मिनट आगे हमसे वो ग्रुप चला गया, कुछ लोग हमारे पीछे हैं। जिस खूबसूरत रास्ते से हम लोग आए थे वही रास्ता बारिश के बाद में डरावना हो गया। जो सुंदर झरना लग रहा था हमें साफ पानी का, वो मिट्टी के साथ मटमैले पानी का तेज़ बहाव वाला हो गया था, और आसपास से कई सारे झरने इसमें शामिल हो रहे थे। आ ही नहीं पाएंगे है? वो साइड वाले बंदे तो आ ही नहीं पाएंगे, उस साइड में आ ही नहीं पाएंगे, ये नदी है ये क्रॉस नहीं हो पाएगी शाम तक। अच्छा, शाम तक अगर बारिश रुक गई तो होगी, अदरवाइज मुश्किल है, मुश्किल है। और हमें इस तरह के नाले पार करने पड़ेंगे अनेकों, हाँ तो जूते भी भीगेंगे। लास्ट में का ऑप्शन है बस हमें ना, कौन सा मतलब जो हम लास्ट में जाएंगे तो इस साइड का और रास्ता है जो कि मतलब हम रोड पे पहुंच जाएंगे। अच्छा अच्छा, अलग रास्ता है कोई? अलग रास्ता, देखते हैं कितना। दस किलोमीटर का रास्ता तय करना है, आगे तो गाड़ी जाती है फिर? हाँ, 10 किलोमीटर बाद में तो गाड़ी नहीं जाएगी, आज बारिश है, आज नहीं जाएगी, जाना पड़ेगा 13 किलोमीटर। हाँ, हो सकता था तो बारिश भी रुक जाए, क्या पता बारिश अब। भाई जबरदस्त वाटरफॉल हो रहा है यहाँ तो, सैलाब ये वही नाला है जो कल हम पार कर रहे थे, कल तो बड़ी आसानी से पार कर रहे थे।
नीचे उतर रहे हैं तो रेस्ट करने की तो ज़्यादा जरूरत नहीं है, थकेंगे नहीं, एक ठंड बहुत है, बारिश हो गई, बस चलना है लगातार। यात्रा में ये हमारा सबसे अच्छा और बुरा वक्त दोनों है। सबसे अच्छा भी है, सबसे बुरा भी है। काल की तो सुहानो लागो नहीं हो, आज डराणो लागे। एक नाला है, इसके अंदर को अंदर से चलते हुए इसको पार कर रहे हैं हम लोग। ट्रेन को रोड पर के हैं, आज बहुत बुरे फंस चुके हैं दोस्तों। 10 से 13 किलोमीटर पता नहीं कितना चलना पड़ेगा। ध्यान से, अभी जिया को लेने की मेरी बारी आ गई। हम तीनों बारी बारी से ले रहे हैं। ये ले सैलाब सैलाब। अब तो खैर तो सकेंगे होने पर आराम से। एक बार चलने के बाद में हमारे पास में वापस जाने का भी कोई रास्ता नहीं बचा था, बस चलना था इसी फिसलन पानी कीचड़ और सैलाब के नज़दीक। कहाँ तक छोड़ के इतना नीचे पार करवा के आगे? नहीं नहीं नहीं, अरे वाह, ऐसे दृश्य दोस्तों, ऐसे दृश्य दिखने के कम ही चांस होते हैं ना। ये देखो नाला नदी बन गई। पानी पीने की मुझे जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऐसे आ रहा है ऊपर से। पानी पीते पीते चल रहा हूँ। ओए तू तो पूरा कादे में और पानी भर गयो, ले दोगे? भाई को ये बाहर से आए ना हमारे जैसे कोई अलग जगह से पहली बार ही, तो हमेशा गाइड वगैरह को साथ में ले आना चाहिए क्योंकि वो आपकी मदद तो कम से कम करेंगे किसी विपरीत परिस्थिति में। अकेले आप यहाँ घूमेंगे, कुछ हो गया तो पता भी नहीं चलेगा। गाइड करेंगे आपको कहाँ से जाना है, रास्ता कहाँ से है। जाते समय तो कई जगह पर हम लोग जो ये नीचे की साइड में नदी जैसा नाला नज़र आ रहा है इसके अंदर जो रास्ते थे वहाँ से भी गए थे, लेकिन आते समय पूरी तरह से इसके बाहर की साइड में जो रास्ते बने हुए हैं यहीं से हम लोग आ रहे हैं क्योंकि ये सैलाब बन गया है इतना खतरनाक और पानी लाल हो गया क्योंकि ऊपर से मिट्टी का बहाव तेज़ बारिश के कारण बढ़ करके चढ़ करके आ रहा है, जगह जगह पर लैंडस्लाइड की वजह से भी।
सैलाब चल रहा है अभी, कुछ लोग बहुत पीछे भी आ रहे हैं। पूरा रास्ता ऐसा ही है, पूरा का पूरा रास्ता। दोस्तों ऐसे चल रहे हैं जैसे जिंदगी, कभी किधर कभी किधर डोलते डोलते, जूते भारी हो चुके हैं पानी है भरने के बाद में। ये एक और सैलाब आ गए हैं। हल्की सी लग गई यहाँ पर, बारिश जितनी हो रही है उससे ज़्यादा पानी बह रहा है, क्योंकि यहाँ पर पानी सोखने के लिए ज़मीन नहीं है, पूरे पहाड़ पथरीली ज़मीन है। थोड़ी सी बारिश से भी पानी इतना ही आता है, इससे ज़्यादा। वैसे यहाँ पर ये इस तरह का जो नज़ारा चल रहा है, पानी बह रहा है, हमें शायद फिर कभी देखने को ना मिले। हाँ वही मैं वही। और हम लोग यहाँ से अगर बस के चले गए तो आपको यहाँ की कहानियाँ सुनाएंगे। मिड पॉइंट तो अभी तक नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा सा एक और यहाँ पर स्टॉप थी, वो उस साइड में आंकी जी वाला घर। बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत डरावना भी है, बहुत ही मुश्किल रास्ता। अच्छा और भी हो सकती है? नहीं वो तो नहीं सकती, पर क्या मालूम, चलो आ गया। ओए
ये दोस्तों सबसे खतरनाक रास्ते से हम लोग आए थे। ये रात को क्या हुआ था यहाँ पे? ये लैंड स्लाइडिंग हुई है। ये मिट्टी आ गई ना यहाँ से तो पैर फिसलने वाला रास्ता बन गया, वरना तो ये बिना पैर फिसलने वाला उसमें आसानी रहती है। बहुत मुश्किल से हम लोग आए, ऊपर से पत्थर मिट्टी सब नीचे आ गए। चलो ऐसे अनगिनत झरने हमने पार किए आज, ऐसे अनगिनत। इतने सारे वीडियोस के अंदर शायद मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, जो ज़्यादा खतरनाक थे उनके वीडियो भी नहीं बनाए। अनेकों इस तरह से पार किए। दोस्तों पूरा ग्रुप जो एक जगह पर इकट्ठा हो गए, हम लोग धीरे धीरे बारी बारी चला रहे हैं, कई सारी लैंड स्लाइड को पार करते हुए। चलो हाँ चलो चलो चलो, ये हम लोग मिड पॉइंट के बहुत ही नजदीक पहुंच गए हैं। वो सारी जनता आगे जा रही है। ठीक है थोड़ी थोड़ी ले लेको बस। ये साथ में जो है हेल्प कर रहे हैं जिया के लिए, वो उठा के लेके चल रहे हैं। हम आज से पहले ऐसी आपदा के अंदर कभी नहीं फंसे। आप फंसे कभी? ना फंसे थे भाई हम तो। ये कितनी खूबसूरत है, ये भी तो देखो पीछे एक बार। अरे ये जिंदगी में दोबारा थोड़ी ना देखने को मिलेगा यार। हाँ या तो जिंदगी मिलेगी या ये जिंदगी में या ये इतनी सारी जगह के वीडियो भी नहीं बनाए, बहुत ही रिस्की जगह से आए हम लोग, बता भी नहीं सकते आप पूरी बात। अब जो है वो जो सैलाब है उसको पार करना है, कैसे करेंगे ये हमें भी नहीं बताया। एक बार या दो बार पता नहीं पार करेंगे। पानी सारी इकट्ठा, ज्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है नहीं। थोड़ी देर हमने बैठ लिया तो बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी है और खतरनाक नाला पार करने के लिए रिस्क ले रहे हैं सब लोग, पता नहीं कैसे क्या होगा। सबसे खतरनाक जो है वही पार। इस
इससे पहले जो भी हमने नाले पार किए थे उनमें ये सबसे बड़ा नाला है जो अभी हम लोग पार कर रहे हैं। यहाँ पर कई लोग हमारे साथ में जो गाइड हैं वो ऐसे हैं जिनकी ट्रेनिंग ली हुई है और अनुभवी भी हैं, तो उन्होंने बहुत मदद की हम सब की। उनको एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये गांव के ही लोग हैं करेरी के, और इनकी मदद से ही सब लोग पार कर पा रहे हैं। उन्होंने एक एक को हाथ पकड़ पकड़ के जो इस नाले को पार कराया, और ये जो समय था हम सब के लिए बहुत मुश्किल भरा था। जस्ट इस नाले से पहले हमें लगभग आधे घंटे तक हम रुके, हमें ऐसा लगा कि अब तो शायद पूरा दिन यहीं गुजारना पड़ेगा खड़ा रहकर, क्योंकि दोपहर हो गई थी, 12-1 बज गया था यहाँ आते आते। और मतलब इस नाले का मतलब काफी टाइम लगा इसको मतलब पार कैसे करे देखने में। उन्होंने अच्छी तरह से निरीक्षण किया और उसके बाद में इस नाले को हम सब ने एकदम सुरक्षित तरीके से पार कर लिया। ये पार करने के बाद में हमारी जान में जान आई। इसके और बीच में दो तीन गाइड दो तीन जगह खड़े हो गए और हाथ पकड़ पकड़ के पार सब, सब, सब अपनी सांस हाथ में लेके चल रहे, ऐसे लग रहा है। अरे भाई जब हम चले हैं ना टेंशन मत लो, हमको पता है जहाँ नहीं होगा वहाँ नहीं होगा, ठीक है ना। ये सही बात है, आपने बहुत मदद की है। आगे आगे आप जैसे चले हो तभी हम चल पाए, अकेला हमारे जैसे आदमी तो चल ही नहीं पाएगा। नहीं चलेगा। और आप डरने की कोशिश मत करो क्योंकि आपको हम सही जगह पहुँचाएंगे। दोस्तों हम मिड पॉइंट पर आ गए वापस, यहाँ पर एक रात रुके थे और वो उस टाइम का दृश्य आपको याद होगा, वरना वीडियो में आप देख लें। और एक अब देखें इसको तो पार नहीं कर पाएंगे भाई, हम तो ये घर पे यहीं पर जुगाड़ बनाएंगे कोई बन जाए तो। हैं उस दिन तुम लोग गलत नहीं थे, अगर बारिश आती उस दिन तो हमारा तंबू चला जाता था। हमने वहाँ तंबू कहाँ लगाया था, वहीं लगाया था, तंबू चला जाता वहाँ पर आराम से। अब आगे का सामान रास्ता खतरनाक है, हो सके तो यहीं रुक जाएं कैसे भी करके। चलो आप कितनी बार पार करेंगे पता नहीं। हमने निश्चय किया कि अब कुछ भी हो जाए हम इससे आगे नहीं जाएंगे और बारिश रुकने तक यहीं पर रहेंगे। ये जो भाई साहब थे मिड पॉइंट वाले और परिवार जो रहता था बहुत ही अच्छा और मददगार परिवार है, इनको एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने आते जाते समय हमारी बहुत मदद की। सारे लोगों को सिर्फ अपने जो घर था उसके चूल्हे के सबके पास में बैठा रखा है। यही गाय है, भेड़ बकरियां भी है। क्या हुआ देरम की कोई दिक्कत? दोस्तों अब 5 बज रहे हैं शाम के और हमारे साथ में जो ग्रुप आया था वो तो चला गया था उसी टाइम, लेकिन पीछे से और कुछ लोग आए हैं तो वापस एक बार फिर से 15-20 लोगों के ग्रुप हो गए हैं। बारिश रुक गई है, बहाव थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी सब लोग मिल कर के प्लान बना रहे हैं कि चलें, तो इसलिए हम लोग भी जा रहे हैं। नीचे से ज़बरदस्त तेज गति से जब पानी बहता है तो ऐसे लगता है कभी कभी तो हम भी साथ में चल रहे हैं। अभी यहाँ से आगे का जो रास्ता था वो एकदम झरने के पास पास में था, लेकिन झरने का बहाव बहुत तेज था तो सीधा पहाड़ पे चढ़ना था और पहाड़ से नीचे उतरना था। ये एक और लैंडस्लाइडिंग का सीन, यहाँ पे गिर गई ये जगह। आज जगह जगह पर हमने लैंडस्लाइड देखी। एक ये भी है, ये देखिए उनमें से कम 15-20 जगह देख चुके हैं। एक ये भी है यहाँ पर, आगे और भी है। ये तो बारिश रुक गई, चलो ठीक है। भाई जी आराम हो जाए, पकड़ पकड़ के तो यार हाथ ही गुंदे गुन। हाँ टेक नीचे टेक हाथ, हाथ गुंदे हैं भाई, ये लकड़ियों का भरोसा ना था पत्थरों पर हाथ टेक। यहाँ से वो खेत दिख रहे वहां तक सड़क है ना। चलो 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 दोस्तों, हम लोग काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता मुश्किल से बचा है। और जगह जगह पर हमने लैंडस्लाइड देखे। लैंडस्लाइड मतलब कि मिट्टी पानी के बहाव से खिसक करके बहुत बड़ा पार्ट नीचे गिर जाता है, पेड़ भी पत्थर भी। इससे क्या होता है रास्ते के ऊपर अगर मिट्टी आ जाए तो वो फिसलनी मिट्टी होती है, अदरवाइज क्या है कि पथरीला रास्ता है, कंकर पत्थर से पानी से मिट्टी चली जाती है, कंकर पत्थरों में फिसलने वाली कोई टेंशन नहीं है। लैंडस्लाइड की वजह से फिसल सकते हैं, बहुत खतरनाक।
और अभी तो बारिश रुकी हुई है, लेकिन बारिश के अंदर अगर चलें तो चलते हुए भी कहीं पर भी गिर सकते हैं, इतना रिस्की रास्ता है। यहाँ पर है जान हथेली में, हमने बहुत सारी जगह पे वीडियो बनाया ही नहीं है, ये तो सिंपल सिंपल सा दूर खड़े होकर बनाया है, उन जगहों पर तो हमने बनाया नहीं है जहाँ पर हम बना करके थोड़ी चल सकते हैं, पहले जान और फिर वीडियो है, फिर बता सकते हैं आपको, तो हमने बनाया ही नहीं बहुत सारी जगह, इतने ऐसे ऐसे रस्तों से आए पकड़ पकड़ के चलाऊंगा सिया के लिए। भाई साहब ने बहुत मदद की, अभी एक पहले की थी, ये भी अंग्रेज भाई साहब है, उन्होंने काफी मदद की। भाई हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे पर भी जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है, तो हल्का सा दिख रहा है क्योंकि आगे पेड़ आ गए। आखिरी चुनौती बाकी है, ये ठीक ठीक रास्ता है। आज तीसरा दिन हो गया, दो रातें हो गई, हो गए क्या भाई आगे? ओ कादो कादो भाई जी रुक, ये सारे पत्थर अब आए हैं इसी बारिश में। रास्तों की से तो आगे का रास्ता भाई एक सेकंड, ठीक है हाथ भाई गंदा का रास्ता यार, ओ भाई आगे नालों भी है पाछो, एक हाथों में ग्रिप कौन बनेगी मेरी गठेगी, मैं तेरे पर लटकूंगा। भैया हाथ हाथ ओ रुकी छोटी मत, चल इतने बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर उसके में गिरे हुए हैं, और ये पानी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। चलो 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 अच्छा अच्छा गहरो जंगल है, गहरो खो जाऊंगा आगे, खो जाएंगे क्या? तो क्या खो जाएंगे, थोड़े से बताए खोने वाला पीछे था। चल थोड़ा थोड़ा पानी थोड़े थोड़ी हरियाली, यहाँ तक ट्रैकिंग करो वापस आओ, ऊपर कैसे जाना यार। ओ भाई हाथ दे, वापस नीचे आ गए। और यहाँ पे जो जितने भी गाइड भैया है सब लोगों की बहुत ज्यादा मदद कर करके निकाल रहे हैं। ये भाई साहब आगे आगे चल रहे, रुकने एक सेकंड, आप तीन बार वापस आए हैं सिर्फ, भाई साहब दूसरी भी दो बार आए हैं, दो बार आए हैं सिर्फ लेने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। रवि जी उनका नाम रवि, मैं ना संजीव, आप सबने बहुत मदद की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के जो लोग हैं करेरी गांव के और जो ट्रैकिंग से रिलेटेड और सब ए टू जेड सारे मदद करने वाले हैं, हमारी नहीं सब लोगों की मदद की है इन्होंने। अब हम लोग वापस आ गए ब्रिज पर, नल्ले ब्रिज पर। ऐसा वीडियो हम आगे कभी नहीं बनाना चाहेंगे इतने खतरनाक रास्तों से। वैसा बता रहे हैं कि नीचे और भी ज़्यादा बारिश हुई थी, हुई थी यहाँ पर जितना लेक पे नहीं हुई उतना उससे ज़्यादा यहाँ पर हुई है, बिल्ली नीचे हुई, कुछ घर बह गए हैं, कुछ एक फैमिली है बेचारी घर के साथ ही बह गई है, बहुत जगह पर जो जनहानि हुई है, रोड जो है सब बंद हो गया है, बिजली बंद हो गई है, सब फुल हो गया। धर्मशाला तो जा सकते हैं, धर्मशाला भी नहीं जा पाएंगे, रोड बंद हो गए काफी, मतलब सड़कों पर भी लैंडस्लाइड जैसे ऊपर थी वैसे ही हो गया, सड़कें बह गई हैं रिवर के साथ साथ, सब मुश्किल हो गई। इस तूफान के अंदर सैकड़ों लोग मरे होंगे कांगड़ा जिले में, गाड़ियां भी बह गई वो बता रहे थे, पुल चल गया गाड़ियां बह गई, अब एकदम आसमान क्लियर हो गया।
नेचर का है क्या बोलते हैं, नेचर को कुछ नहीं बोल सकते भाई। ये देखो सड़क के ऊपर भी रास्ता बंद हो गया, इस तरह की लैंड स्लाइड होगी भाई साहब, आम ही है कि यहाँ पर जैसे बारिश का सीजन आता है लैंड स्लाइड होना। कभी ज़्यादा आ जाती है बारिश, आम नहीं होगी लेकिन हमने तो यहाँ पर आने के बाद में पहली बारिश ऐसी देखी है। तो दोस्तों यहाँ पर गांव में लाइट नहीं है, करेरी गांव में आ गए एक बार फिर से, 3 किलोमीटर का इस अंधेरे के अंदर हम रास्ता तय करके आए हैं। कई सारे और 10-12 वाटरफॉल, छोटे छोटे वाटरफॉल आए थे, तो जो गाइड भैया थे वो घर लेके आए हैं, उनकी मदद हमने ली और अब जो एक घर है उनका ही तो साथ में गाइड है उनके, करेरी विलेज में रुके हैं, रात यहीं बिताएंगे, सुबह देखते हैं क्या करते हैं। कह रहे हैं जगह जगह लैंड स्लाइड है, रोड की जाने लायक, मतलब रोड बंद हो रखी है पूरा, तो जो भी टूरिस्ट है ऊपर से आ रहे हैं वो इसी गांव में रुक रहे हैं, बहुत सारे गए थे। आज तारीख क्या हो गया आपको याद है? 13 तारीख जुलाई हो गई और 12 जुलाई को दोस्तों जो आपने सुना था टीवी चैनलों में न्यूज़ में धर्मशाला और कांगड़ा के अंदर जो भारी तबाही हुई थी, उसी दिन हम लोग वहाँ ऊपर से आए थे। वो जैसा सबके लिए बुरा दिन था, हमारे लिए भी बुरा दिन रहा और इन भाई साहब ने हमारी बहुत मदद की। आपका वैसे नाम भूल गया, क्या? संजय कुमार सेम है, सेम से मेरा संजय कुमार है। तो हम लोग तो अकेले तो आ ही नहीं पाते, ये हमारे साथ में थे तब हम लोग आ पाए। और ये करेरी गांव है आपका ना, जैसे हमारे जैसे कोई नया आदमी है उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आना चाहिए? जैसे आपने जब भी मतलब ट्रैक पे आना तो बारिश बुरिश नहीं में नहीं आना, मतलब बारिश सीजन में नहीं, इग्नोर पूरी तरह से, समर सीजन में आना चाहिए या फिर विंटर में जब अक्टूबर सर्दी में आए थे गर्मी में आए लेकिन बारिश में नहीं। हाँ सितंबर अक्टूबर में आना चाहिए, अभी बारिश में स्लिपरी और लैंडस्लाइड और उसको ज़्यादा खतरा रहता है, सबसे खतरनाक है। हाँ सबसे मतलब खतरनाक टाइम ये चला हुआ बरसात के, बाकी और जो भी ट्रैक पे आना है तो अपना टॉर्च वगैरह, टॉर्च लाए, रेनकोट लेके आए, जूते ठीक से अच्छे लेके आए, बैग बढ़िया, गाइड लेना चाहिए यहाँ से। हाँ, बिल्कुल। और कैंप जो लगाए वो गाइड की, जहाँ गाइड करे वहीं लगाए, जहाँ बोले अपनी इच्छा से नहीं है मैं तो रिवर के बीच में लगाऊंगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल सेफ जोन में टेंट कैंपिंग होनी चाहिए, मतलब आपकी जहाँ भी मतलब जो मतलब बिल्कुल ही सेफ हो, बिल्कुल हवा से मतलब ज्यादा हवा नहीं हो, पानी रिवर के साथ नहीं हो, पानी बढ़िया से कैंप होना चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रख के ही आए। वैसे जगह बहुत अच्छी है, खूबसूरत भी है, लेकिन ध्यान रखना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, सबसे ज़्यादा सेफ्टी। चलो आपने हमारी बहुत बहुत मदद की, आपको धन्यवाद दिल से। अब ये करेरी विलेज है, अपन कल 13 किलोमीटर का ट्रैक करके है ना वापस, एक दिन में वापस 13 किलोमीटर आ गए, ये बहुत मुश्किल था, थकान नहीं हुई इसलिए वापस आए तब। चढ़ाई बारिश में कभी नहीं होती, आप करवाते हैं कभी बारिश में चढ़ाई? बारिश में नहीं, नहीं होती, होती नहीं, बारिश में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अच्छा एक चीज़ बताओ, पानी से ज़्यादा रिस्क है या लैंडस्लाइड से? दोनों चीज़ें, दोनों, मतलब लैंडस्लाइड से भी मतलब ब्लॉक हो जाते हैं, पत्थर गिरते हैं, वो फिसलन बहुत बुरी होती है, और पानी तो फिर पानी है, पानी तो ले जाता है ना, पानी तो बहा ले जाता है ना, बहुत ज़्यादा पानी हो गए तो बह जाएगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आदमी चढ़ के नहीं थकता है लेकिन इन दो चीज़ों से खतरा है। चलो आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी। और रात को दोस्तों हम लोग यहीं पर रुके थे इनके घर पे, बहुत ही सुंदर इन्होंने पहाड़ों के ऊपर से घर बना रखा है, लेकिन सुरक्षित, यहाँ के लोग जो पहले सुरक्षित जगह देखते हैं, घर बनाना हो चाहे टेंट लगाना हो चाहे दुकान लगानी हो फिर सब काम करते हैं, मतलब एकदम मतलब ऐसे प्लेन जगह होती है ना वहाँ पे बनाते हैं, ये घर भी एकदम प्लेन जगह नहीं। इसलिए भाई साहब धन्यवाद आपका। लेओंद्री, लेओंद्री रिवर जो रिवर क्या नाम था, करेरी, कल कल बहुत नुकसान किया, 13 नहीं 12 तारीख को, देख कितना बहाव आ गया। अभी तो दोस्तों ऐसी हालत हो गई, जैसे ही इनको देखते हैं, पहले अच्छे लग रहे थे, अभी डर लग रहा है देख देख के, इनकी आवाज से डर लगने लग गया। पाँचों आ गए पानी। आप खेतों में वैसे क्या बोते हो? अभी मक्की सीजन है इसका, मक्की का, मक्की, ये मक्की बो रखी है आपने घर के आगे, सितंबर में ये हो जाएगा तैयार, उसके बाद जौ, जो मतलब मक्की बोते हो फिर उसके बाद सर्दियों में जौ बोते हो? जौ और सरसों, सरसों भी,
लेकिन ये घर क्या बोलते हैं इसको, खेत एडजस्ट कैसे करते हो? थोड़ा सा इधर से, थोड़ा सा इधर से, मेहनत कर करके पहाड़ी को ढालना पड़ता है। हाँ, वही स्टेप फार्मिंग होती है यहाँ पर, जैसे स्टेप सीढ़ी नुमा खेत होते हैं माउंटेन में, पानी निकल जाए, मतलब पानी होता है, एटमोसफेयर के हिसाब से बनते हैं। अच्छा, जैसे पंजाब में आपके यहाँ सीधे बड़े बड़े होते हैं, यहाँ से लेके धर्मशाला से गए की खेत होगा बहुत लंबा लंबा, ये माउंटेन में तो ऐसे होते हैं छोटे छोटे। दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग फंस चुके हैं, क्योंकि जिस रास्ते से हम लोग धर्मशाला से आए थे वापस जाने के दो रास्ते हैं, दोनों ही बंद हो चुके हैं लैंडस्लाइड की वजह से। अब कई दिन तक उस समय हम यहीं पर रुकने वाले थे, इसी गांव में रुके। कुछ लोगों ने कमेंट करके ये भी पूछा था कि यहाँ पर आप ट्रैकिंग पे गए तो आपका खर्चा वगैरह कितना आया, वो भी आप बताओ। तो हम बता देते हैं, पर पर्सन पर्सनल गाइड के साथ में 1400 रुपये, जिसमें टेंट और ऊपर का जो खाना पीना था वो सब शामिल था एक रात के लिए। हम लोग एक रात से ज़्यादा रुके तो हमारे ज़्यादा हुआ, फिर आते समय हमने एक्स्ट्रा मदद ली, तो इस तरह से करके हमारे खर्चा करीब 4000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पड़ गया। अब आगे की वीडियोस में आप देखेंगे हम किस तरह से इस गांव से निकल पाते हैं या नहीं, कब तक निकल पाएंगे हमें भी नहीं पता है।